महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने गर्भवती नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाहिता को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज न देने के कारण ससुराल वालों ने नवविवाहिता को मारकर रेलवे ट्रैक पर लेटवा दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि मृतिका के परिजनों के तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी लाके वहाँ पे घर पे काट पीट के लाके उनको मार दिए हैं, मार के पटरी पे फेंक दिए। किसने? राहुल यादव, उनके पापा हवलदार यादव और उनकी चाची हैं, उनके चाचा हैं, सब लोग मिलके। ये कौन है? आपकी बहन है हमारी सगी। अच्छा, इसकी शादी कब हुई थी? 5 फरवरी को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिरसिंहपुर हड़कापुर। अच्छा, बिरसिंहपुर हड़कापुर को। शादी कब हुई थी? 5 फरवरी को। बार बार दहेज की डिमांड कर रहे थे और फिर अपना दवाई पानी करा रहे थे, सबका सबूत रिकॉर्डिंग और सब कुछ है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात 18 दिसंबर की सुबह 7 बजे के करीब डायल 112 को सूचना मिली कि सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, लेकिन ट्रेन से कटने के बाद वो जो शव पड़ा हुआ था इसमें उसकी जान पहचान की गई। अगल बगल के लोगों से जानकारी कराई गई तो पता चला कि ये महिला जो है, इसका ससुराल वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम भौरीपुर थाना इटिया चौक था और परिजन जो उसके मायके पक्ष के लोग गांव वीर सिंहपुर पड़ता है कोतवाली देहात में। कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है।